हालेलुया, स्वागत है आपका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, आप संघर्ष क्यों करते हैं। जिस तरह उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 32 के 27 से 28वें वचन में लिखा है, उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन यह सच नहीं है। शुरू में मसीह में आकर आप इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि आपको वचन का पता नहीं होता है, और जैसे आपको परमेश्वर के वचन के बारे में पता चलता है तो वह संघर्ष धीरे धीरे आपके जीवन से अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। अगर हम बाइबल में याकूब के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि याकूब ने इसलिए संघर्ष किया क्योंकि वह बाइबल से बाहर होकर चला। उसने अपने भाई एसाव के साथ धोखा किया और धोखे से उसकी आशीष को ले लिया, और फिर अपने घर से अपने मामा लाबान के पास जाकर 14 वर्ष तक उसकी दोनों बेटियों के लिए सेवा की, और फिर 6 वर्ष तक भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और फिर जब एसाव 400 पुरुषों को लेकर उसको मारने आ रहा था, तब भी वह सारी रात स्वर्गदूत से लड़ता रहा कि परमेश्वर, मैंने इसलिए संघर्ष किया क्योंकि मेरा चरित्र सही नहीं था। और फिर परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा, जिसका मतलब है शुद्ध मन वाला। मेरे प्रियो, आपका चरित्र आपके लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। याकूब ने संघर्ष किया, लेकिन उसके पिता इसहाक ने कोई संघर्ष नहीं किया, क्योंकि इसहाक रोज़ शाम को परमेश्वर के वचन पर मनन करने जाता था। उसका ध्यान परमेश्वर के वचन पर था। जब आप वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तब आप गलत फैसले नहीं लेते, फिर आप परमेश्वर का डर मानते हैं। इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, वह परमेश्वर के वचन में बना रहा और परमेश्वर ने उसके लिए सबसे उत्तम इंतजाम किया। मेरे प्रियो, आज लोगों को अपनी चंगाई, छुटकारे और आशीष के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह सही रीति के साथ परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। आशीष मिली तो परमेश्वर का वचन मान लिया, लेकिन अगर परमेश्वर ने उनको परख लिया तो उस परख में खरे नहीं उतरे। कभी उपवास रख लिया, कभी नहीं रखा, कभी व्यभिचार कर लिया और फिर तौबा कर ली। इन सब के कारण आज लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। याद रखें, अगर मसीही में आपका चाल चलन, आपका चरित्र सही है तो आप कभी संघर्ष नहीं करेंगे, जैसे इसहाक ने कोई भी संघर्ष नहीं किया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी चंगाई, छुटकारे और आशीष को पाएं, तो अपने चरित्र को सही रखें, पवित्रताई में चलें, परमेश्वर के वचन को मानते हुए हर रोज़ उस पर चलते जाएं, फिर परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी गवाहियां पैदा करेगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ, करती हूँ कि मैं पवित्रता में चलूँगा, चलूँगी, और आपके वचन को मानते हुए आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूँगा, करूँगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।